नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान गिफ्ट देख सकते हैं। ये मेरा जो न्यू स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए है, उन लोगों को प्रैक्टिस जो करना है तो इसके लिए ये ब्लोअर मैं खरीद कर लाया हूँ। और ये ब्लोअर का मॉडल है क्विक 850 SMD रीवर्क स्टेशन। तो गाइज यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं हम लोगों को और इसका प्राइस कितना है मैं बताऊंगा आपको। और इसे अनबॉक्स तो नहीं करूंगा क्योंकि अनबॉक्स हम लोग करते हैं पतंजलि बिस्किट को सिर्फ, और दूसरा चीज को अनबॉक्स नहीं करते, दिखाते कि क्या मिला है ठीक है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इधर तीन मिले थे ये नोजल और मैंने एक लगा दिया इसके अंदर। ये साइज हम लोगों को चाहिए तो ये साइज वाला जो मतलब ये मिडिल साइज का, एकदम छोटा सा नहीं, जो छोटा सा होता है ये मोबाइल के काम पे आता है, ये छोटा वाला, लेकिन उससे जो बड़ा होता है ये भी हम लोगों के काम पे आता है। तो ये जो ये साइज का एकदम हर एक काम के लिए परफेक्ट होता है, तो ये साइज में लगा दिया इसके अंदर। और इसके अंदर और क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक प्लास्टिक मिला है और इसे इधर लगाने के लिए मिला है इधर। तो चलिए इसे इसके अंदर से निकालते हैं और देखते हैं। और अब ये डस्टबिन में इसे रखेंगे हम लोग। और रखने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं। और ये प्लास्टिक जो है इसे भी निकाल देंगे। और इधर देखिए ये कुछ स्क्रू दिया गया है, तो सबसे पहले ये स्क्रू को खोलना होता है ठीक है। ये सबको पता है तब भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो नया यूट्यूबर्स है जो कि मेरा वीडियो देख के ही काम शुरू किया है, तो उन लोगों को पता नहीं है कि इसे कैसे सेट कर। देखिए न्यू अगर आ रहे हैं ना मार्केट में से आप खरीद ले तब भी वो आप सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैसे करें आपको पता नहीं है ना इसीलिए। और कुछ मॉडिफिकेशन इस ये छोटा सा ये जो पतंजलि ब्लोअर हम लोगों ने लिया है ये बहुत ही अच्छा तो है नहीं पर उतना खराब भी नहीं है, तो इसमें दिक्कत होता है थोड़ा सा, तो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से दो स्क्रू निकालने के बाद ये ब्लोअर की नोजल को रखने के लिए ये प्लास्टिक जो दिया गया है इसे सेट करना होता है। तो सेट करने से पहले यहाँ पे दो स्क्रू लगा लेंगे, सॉरी ये मैग्नेटिक है नहीं मेरा तो इसलिए दिक्कत कर रहा है, ये होल में नहीं जा रहा तो इधर से थोड़ा सा इसे टाइट कर देंगे। तो देखिए इधर मैं दो स्क्रू लगा दिया, और इधर से इसे लगाया और अभी से टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। ओके पहले ये सब जो सामान है ये मेटल का मिलता था लेकिन अब ये प्लास्टिक का मिलता है ठीक है। और ये देखिए ये इधर सेट हो गया है। ओके और इसमें से हम एक बार टेस्ट करेंगे कि कैसे ये सब कुछ मतलब काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये तो मैक्सिमम टाइम खराब निकालता है तो उसकी वजह से डर रहता है हम लोगों को कि सही है कि खराब है।
तो ये देखिए चालू ही था, ये अभी ऑन हो चुके और हम लोग इसे फुल एयर में सेट करते हो, फुल एयर निकलेगा तो फुल से थोड़ा सा कम कर देंगे और हीट को एकदम पूरा का पूरा फुल नहीं करेंगे हम लोग, ये 400 से 450 के बीच में रखेंगे। ओके, और एक डेमो मदरबोर्ड लेंगे और उसमें से छोटा सा एक पार्ट्स निकाल के देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, नहीं वो नहीं, दूसरा मदरबोर्ड दे दो, लैपटॉप का। अच्छा तो इधर से कुछ पार्ट्स वगैरह निकाल के लगाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट्स को निकाल के कि ये कैसे ओपन हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा और भी आगे ले जाना होगा मेरे को हीट को, क्योंकि उतना अच्छे से हीट नहीं हो रहा है। तो गाइस ये ब्लोअर उतना एफिशिएंट है नहीं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ाया, 500 के ऊपर दे दिया, तो अब बिल्कुल काम करने लगा है। ओके, और अगर आपने ये एयर को कम कर दिया तो इसमें आपका जो कॉयल है ये जल जाएगा और ये जो होल्डर है, ये बड़ा वाला नोजल को जो होल्ड करता है, ये प्लास्टिक का जो पोर्शन है ये यहाँ से पिघल जाता है और खराब हो जाता है। तो इसके लिए एयर को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं और इसी एयर में डर रहता है कि पार्ट्स, छोटा मोटा एसएमडी पार्ट्स निकाल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, निकाल तो जाता है अगर आप काम करना नहीं जानते। तो देखिए इधर से ये एसएमडी को हम निकालेंगे, तो देखिए ये निकाल दिया मैं और इसे लगाऊंगा दोबारा। ओके, तो चलिए एक मोस्फेट को ट्राई करके देखते हैं कि मोस्फेट निकालता कि नहीं निकालता, क्योंकि मोस्फेट ही तो निकालना होता है हम लोगों को मैक्सिमम। मोस्फेट में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मोस्फेट में ड्राई होता है कुछ और थोड़ा सा ये स्पेस जो है इधर गर्म होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है पहला बार, लेकिन दूसरी टाइम आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये ओपन हो चुका है और इधर से देखते हैं, सॉरी, तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं वैसा नहीं है। तो गाइस ये काम मतलब कि प्राइमरी जो काम है वो करने के लिए ठीक ठाक ही है। और अब देख लीजिए हीट को मैं कैसी जगह पर रखे थे, देखिए 6.5 के आसपास मेरा हीट सॉरी एयर था और हीट इधर देखिए लगभग 500 के आसपास, मतलब 450 के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लोअर का और आप लोगों को भी ऐसे सीखना होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि एसएमडी पार्ट्स को कैसे निकालें और कैसे अच्छे से लगाएं, वो फुल एचडी में होगा और एकदम जूम करके दिखाऊंगा एकदम शुरू से एंड तक, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसे लगा है न्यू यूट्यूबर्स के लिए, पुराना जो यूट्यूबर्स है उन सबको तो पता है कि भाई ये हम लोग जानते हैं, तो तब भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि देखिए सिर्फ जो एडवांस लोग है उसके लिए तो नहीं है, सब लोगों के लिए है ये चैनल। तो गाइज थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।